नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर हर्षित गहलोत जो जोधपुर राजस्थान से हैं, उन्होंने हमसे जोधपुर से चलने वाली सभी ट्रेनों की जानकारी मांगी थी। लेकिन दोस्तों, जोधपुर एक डिविजनल रेलवे स्टेशन है और यहां से ऑपरेटिंग होने वाली ट्रेनों और गुजरने वाली ट्रेनों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए उन सभी ट्रेनों को एक वीडियो में दर्शाना हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों, हम जोधपुर रेलवे स्टेशन से चलने वाली और यहां से गुजरने वाली ट्रेनों को पार्ट वीडियो के रूप में दर्शाएंगे और समय समय पर उसे अपलोड भी करते रहेंगे। और दोस्तों, इसी संदर्भ में आज की हमारी ये वीडियो है जिसमें जोधपुर से दिल्ली तक चलने वाली सभी ट्रेनों की जानकारी दी गई है। तो आइए अब दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जोधपुर से दिल्ली के बीच में करीबन 8 ट्रेनें चलती हैं और एक लिंक एक्सप्रेस चलती है। इन ट्रेनों में दोस्तों 3 सुपरफास्ट, 4 मेल एक्सप्रेस और एक संपर्क क्रांति ट्रेन है। दोस्तों, जोधपुर से दिल्ली के बीच में चलने वाली आज की जो हमारी पहली ट्रेन है वो है 15013 जैसलमेर जोधपुर काठगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस। दोस्तों, यह ट्रेन जैसलमेर से काठगोदाम के बीच में चलने वाली एक डेली ट्रेन है जो जैसलमेर से काठगोदाम के डिस्टेंस 1257 किलोमीटर को 45 किलोमीटर की एवरेज स्पीड के साथ में पूरा करती है करीबन 28 घंटे में। इस ट्रेन का संचालन करती है उत्तर पूर्वी रेलवे और यह ट्रेन रोजाना रात 12:55 पर जैसलमेर रेलवे स्टेशन से रवाना होती है, जो अगली सुबह 6:25 पर जोधपुर में पहुँचती है। और दोस्तों, 20 मिनट जोधपुर में ठहरने के बाद सुबह के 6:45 पर यह ट्रेन जोधपुर से रवाना हो जाती है और शाम के 7:58 पर यह ट्रेन दिल्ली कैंट में पहुंचती है और रात के 8:20 पर यह ट्रेन दिल्ली सराय रोहिला में पहुंचती है और रात के 9:10 पर यह ट्रेन पुरानी दिल्ली जंक्शन में पहुंचती है और तीसरी सुबह 5:05 पर यह ट्रेन उत्तराखंड के काठगोदाम में अपनी यात्रा को पूरा करती है। इस ट्रेन के अगर हम कोचेस की बात करें तो इस ट्रेन में ICF श्रेणी के फर्स्ट AC, AC 2 टायर, AC 3 टायर, स्लीपर क्लास और सामान्य क्लास के कोच लगते हैं, जिसका किराया आप रेलवे के टिकट काउंटर या रेलवे की वेबसाइट से देख सकते हैं। इस ट्रेन में आपको ऑन बोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग की सुविधा मिल जाएगी। दोस्तों, अगर इस ट्रेन की आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, हमारी जो दूसरी ट्रेन है वो है 22422 जोधपुर से दिल्ली सराय रोहिला तक चलने वाली सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया रतनगढ़ चूरू। दोस्तों, यह ट्रेन जोधपुर से दिल्ली सराय रोहिला के बीच में चलने वाली एक डेली ट्रेन है जो 620 किलोमीटर के डिस्टेंस को 55 किलोमीटर की एवरेज स्पीड के साथ में कवर करती है लगभग 11 घंटे में। इस ट्रेन का संचालन करती है उत्तर पश्चिमी रेलवे और यह ट्रेन रोजाना सुबह 11 बजे जोधपुर जंक्शन से रवाना होती है और रतनगढ़ चूरू के रास्ते से होती हुई रात के 10:10 पर यह ट्रेन दिल्ली सराय रोहिला में अपनी यात्रा को पूरा करती है। इस ट्रेन के अगर हम कोचेस की बात करें तो इस ट्रेन में ICF श्रेणी के फर्स्ट AC, AC 2 टायर, AC 3 टायर, स्लीपर क्लास, सेकंड सीटिंग और सामान्य क्लास के कोच लगते हैं। इस ट्रेन में आपको ऑन बोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग की सुविधा मिल जाएगी। अगर इस ट्रेन की आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, जोधपुर से दिल्ली के बीच में चलने वाली आज की जो हमारी तीसरी ट्रेन है वो है 22481 जोधपुर से दिल्ली सराय रोहिला तक चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया रतनगढ़ चूरू। यह ट्रेन दोस्तों जोधपुर से दिल्ली सराय रोहिला के बीच में चलने वाली एक डेली ट्रेन है जो रतनगढ़ चूरू के रास्ते से चलती है। यह ट्रेन 620 किलोमीटर के डिस्टेंस को 60 किलोमीटर की एवरेज स्पीड के साथ में तय करती है लगभग 10 घंटे और 30 मिनट में। इस ट्रेन का संचालन करती है उत्तर पश्चिमी रेलवे और यह ट्रेन रोजाना शाम 6:45 पर जोधपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होती है और रतनगढ़ चूरू के रास्ते से होती हुई दूसरे दिन सुबह 5:20 पर यह ट्रेन दिल्ली सराय रोहिला में अपनी यात्रा को पूरा करती है। इस ट्रेन के अगर हम कोचेस की बात करें तो इस ट्रेन में भी दोस्तों ICF श्रेणी के फर्स्ट AC, AC 2 टायर, AC 3 टायर, स्लीपर क्लास और सामान्य क्लास के कोच लगते हैं, जिसका किराया आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर से देख सकते हैं,
इस ट्रेन में आपको ऑनबोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग की सुविधा मिल जाएगी। दोस्तों, जो नंबर 4 पे हमारी ट्रेन है वो है 12462 जोधपुर से पुरानी दिल्ली जंक्शन तक चलने वाली मंडोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जयपुर के रास्ते से। यह ट्रेन भी रोजाना चलने वाली एक डेली ट्रेन है जो जोधपुर से पुरानी दिल्ली के डिस्टेंस 618 किलोमीटर को 57 किलोमीटर की एवरेज स्पीड के साथ में तय करती है लगभग 11 घंटे में। इस ट्रेन का संचालन करती है पश्चिमी रेलवे और यह ट्रेन रोजाना शाम 7:45 पर जोधपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होती है और मेड़ता रोड जयपुर के रास्ते से गुजरती हुई दूसरे दिन सुबह 6:40 पर यह ट्रेन पुरानी दिल्ली जंक्शन में अपनी यात्रा को पूरा करती है। इस ट्रेन के अगर हम कोचेस की बात करें तो अभी हाल ही में इस ट्रेन को नए LHB श्रेणी में परिवर्तित किया गया है, जिसमें LHB श्रेणी के फर्स्ट AC, AC2 टायर, AC3 टायर, स्लीपर क्लास और सामान्य क्लास के कोच लगते हैं। इस ट्रेन में आपको तत्काल और प्रीमियम तत्काल की सुविधा मिल जाएगी। ऑनबोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग की सुविधा भी आपको इस ट्रेन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर इस ट्रेन की आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, जोधपुर से दिल्ली तक चलने वाली जो हमारी पांचवी ट्रेन है वो है 12464 जोधपुर से दिल्ली सराय रोहिला तक चलने वाली राजस्थान संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। यह ट्रेन दोस्तों जोधपुर से दिल्ली सराय रोहिला तक के 614 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करती है 10:40 में। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड होती है 58 किलोमीटर प्रति घंटे की और इस ट्रेन का संचालन करती है उत्तर पश्चिमी रेलवे और यह ट्रेन हफ्ते में 3 दिन चलने वाली ट्रेन है। यह ट्रेन हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम के 7 जोधपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होती है और मेड़ता रोड, डेगाना, जयपुर जैसे स्टेशनों पर ठहरती हुई दूसरे दिन सुबह 5:40 पर यह ट्रेन दिल्ली सराय रोहिला में पहुंचती है। इस ट्रेन के अगर हम कोचेस की बात करें तो इस ट्रेन में भी ICF श्रेणी के फर्स्ट AC, AC2 टायर, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के कोच लगते हैं, जिसका किराया आप रेलवे के टिकट काउंटर या रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं। इस ट्रेन में आपको ऑनबोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग की सुविधा मिल जाएगी। दोस्तों, नंबर 6 पे जो हमारी ट्रेन है वो है जोधपुर के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से कामाख्या तक चलने वाली वीकली एक्सप्रेस। यह ट्रेन दोस्तों भगत की कोठी से कामाख्या तक की दूरी 2540 किलोमीटर की यात्रा को 46 किलोमीटर की एवरेज स्पीड के साथ में तय करती है लगभग 55 घंटे में। इस ट्रेन का संचालन करती है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे और यह ट्रेन हफ्ते में 1 दिन हर मंगलवार को शाम के 4:10 पर भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से रवाना होती है, जो 4:20 पर जोधपुर में पहुंचती है और 10 जोधपुर में ठहरने के बाद शाम के 4:30 पर यह ट्रेन जोधपुर से रवाना हो जाती है और चूरू रतनगढ़ के रास्ते से होती हुई रात के 3:44 पर यह ट्रेन दिल्ली कैंट और 4:30 पर यह ट्रेन पुरानी दिल्ली जंक्शन में पहुंचती है और 30 पुरानी दिल्ली जंक्शन में रुकने के बाद हर गुरुवार को रात के 11:05 पर यह ट्रेन असम के कामाख्या में अपनी यात्रा को पूरा करती है। इस ट्रेन के अगर हम कोचेस की बात करें तो इस ट्रेन में भी श्रेणी के AC2 टायर, AC3 टायर, स्लीपर क्लास और सामान्य क्लास के कोच लगते हैं। इस ट्रेन में आपको तत्काल और प्रीमियम तत्काल की सुविधा मिल जाएगी और इस ट्रेन में आपको ऑनबोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग की सुविधा भी मिल जाएगी। इस ट्रेन की अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, जो हमारी 7वीं ट्रेन है वो है 14660 जैसलमेर से पुरानी दिल्ली जंक्शन तक चलने वाली रुणीचा एक्सप्रेस। यह ट्रेन दोस्तों जैसलमेर से दिल्ली के बीच में चलने वाली एक डेली ट्रेन है जो रोजाना शाम 4:45 पर जैसलमेर रेलवे स्टेशन से रवाना होती है और रात के 10:50 पर यह ट्रेन जोधपुर में पहुंचती है। जोधपुर में करीबन 40 ठहरने के बाद यह ट्रेन रात के 11:30 पर जोधपुर से भी रवाना हो जाती है और मेड़ता रोड जयपुर के रास्ते से अगले दिन 11:15 पर यह ट्रेन पुरानी दिल्ली जंक्शन में अपनी यात्रा को पूरा करती है। यह ट्रेन अपनी 918 किलोमीटर की जर्नी को 50 किलोमीटर की एवरेज स्पीड के साथ में कवर करती है लगभग 18:30 में। इस ट्रेन का संचालन करती है नॉर्दर्न रेलवे और यह ट्रेन एक मेल टाइप की ट्रेन है।
इस ट्रेन के अगर दोस्तों हम कोचेस की बात करें तो इस ट्रेन में भी ICF श्रेणी के फर्स्ट AC, AC 2 टायर, AC 3 टायर, स्लीपर क्लास, सेकंड सीटिंग और सामान्य क्लास के कोच लगते हैं। इस ट्रेन में दोस्तों आपको सिर्फ ऑन बोर्ड कैटरिंग की ही सुविधा मिलेगी। दोस्तों जो हमारी 8वीं और अंतिम ट्रेन है वो है 14662 बाड़मेर से पुरानी दिल्ली जंक्शन तक चलने वाली मलानी एक्सप्रेस। दोस्तों यह एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन है जो रोजाना बाड़मेर से दिल्ली जंक्शन तक चलती है। यह ट्रेन अपने 828 किलोमीटर की यात्रा को 47 किलोमीटर की एवरेज स्पीड के साथ में तय करती है करीबन 17 घंटे और 30 मिनट में। इस ट्रेन का संचालन करती है नॉर्दर्न रेलवे और यह ट्रेन रोजाना शाम 5:45 पर बाड़मेर रेलवे स्टेशन से रवाना होती है, जो रात के 9:35 पर जोधपुर में पहुंचती है और रुणीचा एक्सप्रेस के साथ अपना लिंक बनाकर रात के 11:30 पर यह ट्रेन जोधपुर से रवाना होती है और मेड़ता रोड जयपुर के रास्ते से होती हुई अगले दिन 11:15 पर यह ट्रेन पुरानी दिल्ली जंक्शन में अपनी यात्रा को पूरा करती है। इस ट्रेन में भी दोस्तों ICF श्रेणी के फर्स्ट AC, AC 2 टायर, AC 3 टायर, स्लीपर क्लास और सामान्य क्लास के कोच लगते हैं, जिसका किराया आप रेलवे की वेबसाइट या रेलवे के टिकट काउंटर से देख सकते हैं। इस ट्रेन में दोस्तों आपको ऑन बोर्ड कैटरिंग की ही सुविधा मिलेगी। इनके अलावा भी दोस्तों एक ट्रेन और है जो मुरादाबाद तक 15013 रानीखेत ट्रेन के साथ अपना लिंक बनाती है। यह ट्रेन है 25013 जैसलमेर से रामनगर तक चलने वाली कार्बेट पार्क लिंक एक्सप्रेस। इस ट्रेन की जैसलमेर से दिल्ली जंक्शन तक रानीखेत ट्रेन की ही डिटेल जानकारी है। यह ट्रेन जैसलमेर से रामनगर के डिस्टेंस 1217 किलोमीटर को 43 किलोमीटर की एवरेज स्पीड के साथ में कवर करती है करीबन 28 घंटे में और यह ट्रेन हर सुबह 4:50 पर रामनगर उत्तराखंड में अपनी यात्रा को पूरा करती है। इस ट्रेन में भी दोस्तों ICF श्रेणी के AC 2 टायर, AC 3 टायर, स्लीपर क्लास और सामान्य क्लास के कोच लगते हैं। दोस्तों ये थी जोधपुर से दिल्ली तक चलने वाली सभी ट्रेनों की जानकारी। दोस्तों मैंने सभी ट्रेनों की जानकारी इस वीडियो में दी है, लेकिन फिर भी अगर कोई त्रुटि रह गई हो या कोई ट्रेन छूट गई हो तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।